अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू साहिब मेडिकल लर्निंग चैनल। आज बच्चों हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ये नर्वस सिस्टम से इससे पहले के जुड़े दो लेक्चर थे वो हम ले चुके हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जो था वो भी वहाँ लेक्चर हो चुका है, और उसके बाद जो कंपोनेंट्स थे नर्वस सिस्टम में जो कंपोनेंट्स मेजर कंपोनेंट्स थे उसमें स्टिमुलाई थी, उसमें रिसेप्टर्स थे, कोऑर्डिनेटर्स थे, उसके बाद इफेक्टर्स थे और रिस्पॉन्स थे। उनकी डिटेल हम इससे पिछली वीडियो में शेयर कर चुके हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ये याद रहे कि इंसान बशमूल जितने भी एनिमल्स हैं इनके अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम्स को समझने के लिए यहाँ पर मैंने नर्वस सिस्टम का डायग्राम जो है वो ड्रा किया हुआ है। नर्वस सिस्टम के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये नर्वस सिस्टम का असल मकसद जो है हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन है। पूरी बॉडी से जो है ये स्टिमुलाई या ये हदायत को रिसीव करता है और उसके बाद ये पूरी बॉडी को डायरेक्शंस देता है, ठीक है। यानी पूरे जिस्म के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो जो कम्युनिकेशन है उसका काम करता है और जो कोऑर्डिनेशन है उसका काम करता है। इसकी हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक एंडोक्राइन सिस्टम था और एक नर्वस सिस्टम था। आज हमने नर्वस सिस्टम के बारे में सबसे पहले जानना है कि नर्वस सिस्टम किस तरह पूरे जिस्म को कम्युनिकेट कर रहा होता है, किस तरह वहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है और किस तरह उनको डायरेक्शन दे रहा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको नर्वस सिस्टम की टाइप्स बता दूं। इंसान बशमूल दूसरे एनिमल्स में नर्वस सिस्टम की मेजर टू टाइप्स होती हैं। एक होता है CNS और दूसरा होता है PNS। CNS कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को और PNS कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बता दूं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये कोऑर्डिनेट ये मुश्तमिल होता है ब्रेन्स पर और स्पाइनल कॉर्ड पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो बुनियादी हिस्सा हैं वो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो हैं ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड जो है और ब्रेन जो है यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं पूरी बॉडी की तरफ उनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब दूसरी तरफ आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ, जो कि मतलब एक दूसरा नर्वस सिस्टम है जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। इससे जो नर्व्स निकलती हैं वो डायरेक्ट ब्रेन से निकलती हैं और तमाम ऑर्गन्स की तरफ जाती हैं। उन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से नर्व्स निकलती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और इसके जो है वो 12 पेयर होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और इन क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स के बारे में जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं इसके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स क्या है और स्पाइनल नर्व्स क्या है। उसके बाद ये मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है ये इस तरह के हमारे पूरी बॉडी, मैंने बताया था कि ये इसका स्ट्रक्चर जो है ये सेल से मिलके बनी हुई है। पूरी बॉडी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें जो नर्वस सिस्टम है इसमें आपको बता दूं कि नर्वस सिस्टम के जो बेसिक जो स्ट्रक्चर यूनिट है वो एक न्यूरॉन है। जिस तरह हमारी पूरी बॉडी जो है वो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स की तरफ जो है इम्पल्सेस को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वहाँ से इफेक्टर्स की तरफ जो सिग्नल्स हैं वो इफेक्टर्स की तरफ उनको डायरेक्शन उनके ऑर्डर जो है वो आ रहे हैं। ये किसके थ्रू होते हैं? ये नर्व्स के थ्रू होते हैं। यानी पूरी बॉडी से नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करना और कोऑर्डिनेटर्स की तरफ भेजना या इंटरन्यूरॉन्स की तरफ भेजना, और इंटरन्यूरॉन्स या कोऑर्डिनेटर से नर्व इम्पल्सेस मोटर सिग्नल की सूरत में तमाम इफेक्टर को भेजना, ये किस वजह से है? ये नर्व्स की वजह से है। असल में हमारी बॉडी के अंदर ये जो नर्व्स, यहाँ पर मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, ऐसे बिलियंस की तादाद में नर्व्स हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है। उस नेटवर्क के थ्रू ये सिग्नल्स में नर्व इम्पल्सेस को सिग्नल की सूरत में कंडक्ट करते हैं, केमिकल सिग्नल लेते हैं, फिर उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं और कोऑर्डिनेटर या ब्रेन की तरफ भेज देते हैं, और ब्रेन उन्हीं सिग्नल्स को एनालिसिस करते हुए जो डायरेक्शंस है वो इफेक्टर को भेज देता है। तो यहाँ पे मैंने ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जितने भी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट हो रही हैं उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो कौन कंडक्ट कर रहा है? दरअसल ये हमारा
न्यूरॉन है, जिसको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, या इसको हम नर्व सेल्स कह लें या इसको न्यूरॉन का कह लें। तो हमें बेसिक इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आज देखना है कि इसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इसकी साख्त कैसी है, ये किस तरह का सेल है बॉडी के अंदर जो कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर रहा है। ऐसे बिलियन सेल्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले न्यूरॉन्स के बारे में, नर्व सेल्स है या न्यूरॉन है, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ये एक सेल है, दूसरे सेल की तरह इसके अंदर भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, इसके दीगर पार्ट्स होंगे, लेकिन दूसरे सेल से थोड़ा डिफरेंस है इसमें, वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी एक सेल बॉडी है, जितना साइटोप्लाज्म का एरिया इसका नज़र आ रहा है आपको, हम इसको सेल बॉडी का नाम देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइन खींची है न्यूक्लियस की तरफ, दूसरे सेल्स की तरह इसका भी एक न्यूक्लियस है। तो इसके अलावा इस सेल्स की सेल बॉडी से ये धारियाँ या ये जो दंदाने से बने हुए हैं ये निकल रहे हैं, असल में ये मैंने ड्रा किए हुए हैं, असल में ये इसके, इसको हम कहेंगे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या है कि ये बॉडी से नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं और सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या है, ये बॉडी से नर्व सिग्नल्स को लेते हैं और मॉलिकुलर सिग्नल्स को या नर्व सिग्नल्स को लेते हैं और नर्व सिग्नल्स को सेल बॉडी की तरफ मूव करते हैं। डेंड्राइट्स का काम है नर्व सिग्नल्स को सेल बॉडी की तरफ मूव करना। उसके बाद मैंने ये इसकी टेल बनाई हुई है नर्व सेल्स की, असल में सारे को एग्जॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जॉन। ये सेल बॉडी से जुड़ा हुआ है, एग्जॉन है। एग्जॉन जो है वो नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है, ठीक है। डेंड्राइट्स नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी की तरफ, और जो एग्जॉन है वो नर्व इम्पल्सेस को या आपके सिग्नल्स को, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को सेल बॉडी से दूर और जो है वो लेकर मूव करता है। अब यहाँ पे जो एग्जॉन है, एग्जॉन के अंदर भी इसकी जो एनाटॉमिकल चेंज यहाँ पे मैंने ड्रा किए हुए हैं, बता देता हूँ आपको यहाँ पे क्या कुछ मैंने ड्रा किया हुआ है। सबसे पहले तो मैंने एग्जॉन के ऊपर जो है वो न्यूरोग्लियल जो सेल्स हैं वो मैंने ड्रा किए हुए हैं। ये आपको क्लस्टर से नजर आ रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4। असल में ये जो सेल्स हैं ये इनको कहते हैं श्वान सेल्स, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं एग्जॉन के ऊपर, एग्जॉन के ऊपर ये जो 1, 2, 3, 4 इस तरह के मैंने ड्रा किए हुए हैं, ये क्लस्टर क्लस्टर से आपको नजर आ रहे हैं, बॉक्स बॉक्स से। असल में क्या है, ये श्वान सेल, श्वान सेल्स जो हैं ये एक फैटी लेयर सिक्रेट करते हैं, फैट्स की लेयर जो है वो सिक्रेट करते हैं। वो फैट्स की लेयर जो है उसको कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहेंगे? माइलिन शीथ। अब मैंने कुछ जगह आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना ये दो श्वान सेल्स के दरमियान खाली जगह है, ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है, और कुछ जगहों पे जो माइलिन शीथ नहीं है वहाँ पे खाली जगह है, खाली जगह है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है, ये नॉन माइलेटेड एरियाज हैं जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे ये माइलिन शीथ सीक्रेट यहाँ पे नहीं हुई, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये नॉन माइलिनेटेड एरियाज हैं। इनको असल में जो हमने एनाटॉमिकली नाम दिया हुआ है, इस एरियाज को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहेंगे इस एरिया को जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है उसको नोड ऑफ रेनवियर। तो स्टूडेंट्स ये इसका जो एग्जॉन स्ट्रक्चर है, ये एग्जॉन है, और यहाँ से जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो साइनेप्सिस के अंदर, यानी यहाँ पे जो अगला नर्व न्यूरॉन जो है उसके डेंड्राइट्स आके इसके डायरेक्ट इसके साथ नहीं जुड़े हुए बल्कि एक साइनेप्स बन जाता है। और तो ये जो केमिकल, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स है ये साइनेप्स से फिर दूसरे प्री साइनेप्टिक नर्व से फिर आगे पोस्ट साइनेप्टिक नर्व्स की तरफ जो सिग्नल है वो मूव होता है। तो ये था एक स्ट्रक्चर ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। आगे इंशाल्लाह इसकी जो न्यूरॉन, ये जो नर्व सेल्स हमने पढ़ा है, आगे काम के लिहाज से, इसके फंक्शंस के लिहाज से, इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी जो टाइप्स हैं नर्व सेल्स की वो हम पढ़ लेंगे। अभी इतना ही कि नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की जो है ना वो दो टाइप्स हैं, CNS, TNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे मुश्तमिल है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के क्रेनियल नर्व ब्रेन से बराह पूरी बॉडी की तरफ जाते हैं। उसके बाद जो ये नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं, जैसे हमारा ये रूम बना हुआ है, वो हमने बनाया हुआ है ईंटों से, बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर यूनिट ईंट है,
ऐसे ही जो पूरी बॉडी का ये जो नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है, और न्यूरॉन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन मिलके हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है इसका नेटवर्क है और ये हमारा नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। आगे वो जो एक सेल है उसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी टाइप्स बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।